हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज से आप लोगों के सामने फैटिकस कर्डा का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम फैटिकस कर्डा को फ्रॉम द स्टार्टिंग कि कैसे हम उसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे कंफिगरेशन करते हैं, कैसे टेम्पलेट बनाएंगे, कैसे सिंबल बनाएंगे, कैसे जीनी, कैसे सुपर जीनी, कैसे पॉपअप्स बनाते हुए हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, जहाँ पे हम स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। रिपोर्टिंग और स्क्रिप्टिंग तो मैंने अपने पहले के कई वीडियोस में बता दिया है, लेकिन अब इस पूरे एक सीरीज में मैं एक बार उस चीज़ को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो सीरीज है, ये बेसिकली जो हमारे बिगनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको ध्यान में रख के मैंने बनाने की कोशिश करी है, ताकि कभी भी उनको कोई भी चीज़ में कभी कोई परेशानी आए। जब भी वो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें स्टैटिक्स कार्ड में कभी कोई चीज़ समझनी है, देखनी है, तो उनके लिए कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। वो कहते हैं ना कि एक छत के नीचे सारा सोल्यूशन मिल जाना, तो मेरी कोशिश वही रहेगी। इस चैनल पे साइटिक स्काडा से रिलेटेड आपको सारे सॉल्यूशंस मैं दूँ, ताकि आप कभी भी श्नाइडर के इन फ्यूचर अगर आप पीएलसी में भी कहीं प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो भी सॉल्यूशन मैं आपको यही दूँ। आपको चाहे पीएलसी श्नाइडर की कोई भी पीएलसी हो, 241 की बात करें, 251 M340 प्रोसेस लेवल की कोई भी पीएलसी हो, यम लेवल की है, उसके लिए भी मैं आपको फ्यूचर में सपोर्ट करूंगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल आज का जो सेशन है वो सेटिंग्स कार्डा के ऊपर मैं कर रहा हूं, और इसको मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियोस इस पे बनाऊँ। जो अभी इतने बड़े गैप आते थे मेरे एक वीडियोस के बीच में, दो वीडियोस के बीच में, तो वो गैप ना आए और जल्दी से जल्दी आप उस चीज़ को समझ पाएं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सबसे पहले अपना स्काडा का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे साइटेक स्काडा 2018 R2 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। जब तक सॉफ्टवेयर ओपन होता है, मेरे जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो उन्हें अच्छा लगे तो मेरे चैनल, मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, प्लस अपने फ्रेंड सर्किल में सबको शेयर भी करें, ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े, वो भी चैनल पे आके कुछ अगर अंडरस्टैंड कर सकें सेटिंग्स स्काडा से रिलेटेड, या उनकी और भी कोई क्वेरी होती है, या उन्हें लगता है कि किसी और डिफरेंट टॉपिक्स पे भी उन्हें काम, उन्हें वीडियोस चाहिए, उन्हें कोई चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, तो मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि मैं कभी भी कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक वो वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो इसमें दो विंडोज खुलती हैं। पहली विंडो होती है साइटेक स्टूडियो, दूसरी विंडो होती है साइटेक ग्राफिक्स बिल्डर। दो विंडो हमारे सामने ओपन होती है। साइटेक ग्राफिक्स बिल्डर में जो भी हमें ग्राफिक्स बनाने हैं, सिंबल्स पे काम करना है, डिजाइनिंग करनी है, वो सारे काम हम करते हैं, और आप साइड में ये टूल देख पा रहे होंगे, टूल बॉक्स। हम इस टूल बॉक्स से कैसे क्या यूज़ करेंगे, ये डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, हम इसके हेल्प से सारी डिज़ाइनिंग करेंगे, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। और साइटेक स्टूडियो जो हमारा विंडो होती है, इसमें हमारे सारे प्रोजेक्ट को हम मैनेज करते हैं। कई आप कई सारे आइकन्स यहाँ देख पा रहे होंगे साइड में, जैसे प्रोजेक्ट्स है,
टोपोलॉजी है, सिस्टम मॉडल है, विजुलाइजेशन है, सिक्योरिटी है, स्टैंडर्ड्स है, कई सारे हमारे हैं इसमें आपको टूल बार मिलेंगे कि सेटअप है, कंपाइल है, डिप्लॉयमेंट है। आपको हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आप डिस्प्ले की हेल्प के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। साथ ही आपको कुछ आइकन्स यहाँ दिखाई रही दे रहे होंगे, कुछ टूल्स जैसे ऐड, ऐड में ऐड का क्या यूज़ है, रिमूव का क्या यूज़ है, कॉपी का क्या यूज़ है, बैकअप का क्या यूज़ है, सेटअप विजार्ड, इन सब का क्या क्या यूज़ है, ये टाइम टू टाइम में आने के बाद मैं आपको समझाता रहूँगा। सबसे पहले कभी भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करना है, मैं अपना बताऊँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम साइटेक स्काडा पे काम करना शुरू किया था, मैं साइटेक स्काडा की पीएल कमीशनिंग करके चलाया था प्लांट की, और मैं कुछ साइटेक स्काडा स्टार्ट कैसे होता है, प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, मुझे वो भी नहीं पता। आज के टाइम में तो यूट्यूब या इतने सारे सपोर्ट हैं आप लोगों के पास देखने के लिए, वीडियोस अवेलेबल रहे। मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो मेरे को कुछ पता भी नहीं था, और मेरे सेकंड साइट भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने के बाद मैंने कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके बाद मैंने सीखा। चलिए फिलहाल हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम ऐड वाले पे क्लिक करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट का कोई सा भी नाम दे देते हैं, साइटेक 21 नाम से मैं प्रोजेक्ट बना देता हूँ। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। लोकेशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट, लोकेशन आती है इसके प्रोग्राम डाटा की, जहाँ पे माय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी फाइल बनी होती है जहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा सेव होगा। आपको इसे कुछ नहीं छेड़ना होता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्रिएट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन स्टार्टअप प्रोजेक्ट, ये आप क्लिक करके रख सकते हैं। इसमें आपको जो भी हमारे, जब भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं इसके साथ हमारे 2-3 प्रोजेक्ट विद लाइब्रेरीज इसके साथ इंस्टॉल्ड होते हैं सॉफ्टवेयर के साथ, जो हमारी सपोर्ट करते हैं, जो हमें कहीं भी कोई डेवलपमेंट करनी है, टेम्पलेट बनाना है या कुछ चीज़ें हैं जो इसमें हमारी इनबिल्ट मिल जाती हैं, जो हमें काफ़ी कुछ सपोर्ट करती है। अब उन स्टार्टअप प्रोजेक्ट में हम कौन से स्टार्टअप प्रोजेक्ट अपने सिस्टम में इंक्लूड करना चाह रहे हैं या उसका क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आपको मिलेगा। एक ऐसे स्टाइल, एक SXW स्टाइल, एक टैब स्टाइल, तो 1080x768 ये एक रेजोल्यूशन साइज। तो फिलहाल मैं ये वाला टैब स्टाइल 1080 रेजोल्यूशन का मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जो बिगनर्स हैं या फ्रेशर्स हैं वो अभी फ़िलहाल यही वाला टेम्पलेट स्टाइल यूज़ करें। इन फ्यूचर दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, दूसरे टेम्पलेट के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी जो फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं वो इसी सिलेक्शन को लेके कंसीडर करके आगे चलेंगे। यहाँ पे फिर हम क्लिक ओके बटन प्रेस करा देते हैं। जैसे मैं ओके बटन प्रेस कराऊंगा आप ये देखेंगे आपके सामने एक प्रोजेक्ट बन के आ गया। यहाँ पे मेक एक्टिव का ऑप्शन आया, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये प्रोजेक्ट मेरा एक्टिव हो जाएगा। ये इसके एक्टिव होने के साथ ही मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, कभी भी मैं प्रोजेक्ट बना रहा, सबसे पहला काम मेरे को कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो उस प्रोजेक्ट में मेरे को हार्डवेयर क्या है, किसके साथ कम्युनिकेट कराना है, कैसे मुझे सिस्टम चलाना है, उस पर काम करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं अपने टोपोलॉजी वाले आइकन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे एक चार आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, 1 कॉलम, 2nd एडिट, फिर प्रोफाइल, उसके बाद आईओ डिवाइस। तो आप आईओ डिवाइस टैब को क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद आपको 2 डिवाइसेस दिखाई दे रहे होंगे, एक इंटरनल एक साइड कोड। ये दोनों डिवाइसेस इनबिल्ट, मतलब जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेके चलेंगे तो आपके साथ ये बन के आएगा ही बाय डिफॉल्ट। इनका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब
आप किसी पीएलसी के साथ, किसी हार्डवेयर के साथ जैसे कम्युनिकेट करा आएंगे, तो सबसे पहले काम आपको क्या करना होता है, आप न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे, आप पे प्रोजेक्ट का नाम आ रहा होगा, आप उसे नेक्स्ट करेंगे, एक क्रिएट न्यू आईओ सर्वर का ऑप्शन आ रहा होगा, एक एग्जिस्टिंग आईओ सर्वर, फिलहाल के लिए आप एग्जिस्टिंग आईओ सर्वर को कंसीडर करके चलेंगे। क्रिएट न्यू आईओ सर्वर पे कैसे काम करना है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। हम इस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे एक आईओ डिवाइस का नाम रखना है, आप चाहें तो ये रख सकते हैं या तो आप अपने हिसाब से कुछ भी एक आईओ डिवाइस का नाम रख सकते हैं। मैं फिलहाल आईओ डेव नाम ही रख रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन आते हैं, एक आता है एक्सटर्नल आईओ डिवाइस। एक्सटर्नल आईओ डिवाइस मतलब आप किसी पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करा रहे हैं या कैसे हैं, तो आप एक्सटर्नल आईओ डिवाइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं कि कौन सी मेक की पीएलसी पे आप काम कर रहे हैं, डीएनपीसी प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, एलन ब्रिडली पे काम कर रहे हैं, एलन ब्रिडली की कौन सी पीएलसी पे काम कर रहे हैं, या आप श्नाइडर पे काम कर रहे हैं, या आप ओपीसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ओपीसी यूए या डीए किस पे काम कर रहे हैं, ब्रांड पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप श्नाइडर वो आपको यहाँ से क्लिक करके करना रहता है। तो अभी फिलहाल मैं एक इंटरनल आईओ डिवाइस पे काम करने वाला हूँ जो स्काडा की इनबिल्ट होती है, क्योंकि मेरे पास हार्डवेयर है नहीं, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ आके मैं जेनरिक्स साइटेक प्रोटोकॉल पे क्लिक कर लेता हूँ। ये एक इंटरनल आईओ डिवाइस इंटरनल टैग्स बनाने के लिए मेरे पास सपोर्ट करता है ये प्रोटोकॉल। इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ के मैं फिनिश कर देता हूँ। ये करने से मेरे पास इंटरनल आईओ डिवाइस एक बन जाएगा और मैं आपको एक एक्सटर्नल आईओ डिवाइस भी बना के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को कभी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एक्सटर्नल आईओ डिवाइस का आईओ डेव वन नाम है, एक्सटर्नल डिवाइस लेता हूँ। यहाँ आके मान लीजिए मेरी कोई पीएलसी है, श्नाइडर की पीएलसी है, मॉडबस टीसीपी आईपी ईथरनेट, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। मेरे को आईपी डालने के लिए बोला जाता है, जो पीएलसी की आईपी होगी वो मुझे डालनी पड़ती है। तो आप कुछ भी एक आईपी ले सकते हैं, लाइक 127.0.0.1, एक लोकल आईपी होती है जो आपको डालनी होती है, मतलब जब भी आप लोकल होस्ट पे सिमुलेटर मोड में काम कर रहे हैं तो यही आईपी आपकी काम करती है। अदरवाइज वो सीरीज डिफरेंट होती है, कोई 192 सीरीज ले रहा है, कोई 10 सीरीज ले रहा है, वो डिपेंड ऑन द योर रिक्वायरमेंट। एंड ये पोर्ट पे आपको 502 लिखना होता है। 502 इसलिए लिखना होता है क्योंकि हर प्रोटोकॉल का एक डेफिनेट पोर्ट डिफाइंड है एज पर द स्टैंडर्ड। लाइक अगर आप 104 आईसी प्रोटोकॉल 104 पे काम करते हैं तो उसका 2404 प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर होता है, ऐसे ही टीसीपी मॉडबस टीसीपी आईपी पे जब आप काम करते हैं तो उसका 502 होता है। तो आपको 502 यहाँ पे लिखना रहेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप फिर से नेक्स्ट क्लिक करेंगे और फिनिश। एक आईओ डिवाइस आपकी है, एक्सटर्नल आईओ डिवाइस बन जाएगी। अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जेनरिक आईओ डिवाइस बन के आया है, यहाँ मॉडनेट 30 आईओ डिवाइस बन के आ रहा है, यहाँ साइकोड आ रहा था, यहाँ ओएफएस ओपीसी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है। सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा। अभी आज हम जेनरिक प्रोटोकॉल पे काम करेंगे। तो अभी फिलहाल हमने आईओ डिवाइस अपना रेडी कर लिया है, इसके बाद हम आते हैं, कोई भी सिस्टम होता है हमें उसकी टैगिंग कैसे करनी है। टैग है, मान लीजिए हमारा कोई सिस्टम है, हम एक चीज़ मान के चलते हैं कि मेरे पास एक कोई पंप है, एक मोटर है, उसको मेरे को स्टार्ट करना है, स्टार्ट और स्टॉप का एक पुश बटन है, स्टार्ट मोटर टीवी पुश बटन, मैंने एक नाम रख लिया मोटर को स्टार्ट करने का पुश बटन। ये क्लस्टर बाय डिफॉल्ट डिफाइन क्लस्टर वन नाम से होता है, आप चाहे दूसरा बना सकते हैं चाहे सेम भी रख सकते हैं। इन सब के बारे में मैं धीमे धीमे आपको बताऊंगा।
जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। यहाँ पे फिर IODI सेलेक्ट करने के बोल रहा है। हम अभी IODI ले रहे हैं जो इंटरनल IODI मैंने बनाई थी जेनरिक प्रोटोकॉल की और अगर हम PLC की बात करेंगे MC40 वाली जो सिलेक्ट करी थी तो आप IODEV1 सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं IODEV लेता हूँ। यहाँ पे डाटा टाइप, अब कोई भी पुश बटन है वो किस टाइप का होगा ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पुश बटन यानी जैसे हमारे घर में स्विचेस होते हैं तो उसमें कैसे होता है, जैसे लाइट हम फैन ऑन कर रहे हैं लाइट ऑन कर रहे हैं वो होता है टॉगल स्विच कि आपने एक साइड करके छोड़ दिया तो वो वहीं पे रह गया। लेकिन पुश बटन ये जितनी देर आपने प्रेस करके रखा उतनी देर वो ऑन है, जैसे ही आपने छोड़ा वो अपने आप अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो ये 1 और 0 में हमारा काम करता है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 0 मतलब डिजिटल। ओके ना, अब इसका एड्रेस की बात आती है। तो अगर मैं जेनरिक प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ तो मैं अगर डिजिटल की बात करूँगा तो डिजिटल में वो D1 D100 कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं एड्रेस D100 ले लेता हूँ। और फिर हमें को इसका एक अगर मैं मान लीजिए मेरे दो आउटपुट होते हैं लाइक एक स्टार्ट बटन है एक स्टॉप बटन है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे स्टॉप पुश बटन कर देता हूँ। अब यहाँ का एड्रेस मैं चेंज कर देता हूँ। ये दोनों चीजें हो गई। अब इसके बाद एक कोई मैं वैल्यू इंटीजर वैल्यू इसमें एंटर करता हूँ, लाइक मैं कुछ भी एक नाम दे देता हूँ int1 cluster1 iodef int। अब int जो वैल्यू होती है, int वैल्यू यानी 16 बिट डाटा। 16 बिट डाटा मतलब अब 0 1 की बात नहीं रहेगी, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो नंबर समझ चलते हैं, या -1 -2 -3। लेकिन इसको फिलहाल मैं अभी I100 एक एड्रेस दे देता हूँ। अब जो मैंने लेकिन बोला था उस लेकिन में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी वैल्यू 1.1 1.2 1.3 है तब मैं क्या बात करूँगा, यानी ये फ्लोटिंग पॉइंट या रियल वैल्यूज होती है। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, रियल cluster1 IODEV रॉन्ग रियल R100 ऐसा जो नहीं है R100 लिखना है, R1 भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी हम टैग डिफाइन करते हैं ये होते हैं हमारे वेरिएबल टैग्स। ये टैग्स भी हमारे काउंटिंग में आ रहे हैं। जब भी हम लाइसेंस लेते हैं तो वेरिएबल टैक्स के हिसाब से हमारी काउंटिंग मानी जाती है। अगर तभी जो एड्रेस है ये हर प्रोटोकॉल के हिसाब से चेंज हो जाता है। लाइकवाइज अगर मैं इसमें IODEV1 कर दूं, मैं एक कोई इस यहीं पे अगर IODEV1 कर दूं तब मैं यहाँ पे ये एड्रेस नहीं लिख सकता, तब इसका एड्रेस मेरा चेंज हो जाएगा। इसका एड्रेस तो मेरा M1 M2 नाम से हो सकता है क्योंकि हर प्रोटोकॉल के हिसाब से इसके एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं। अगर मैं जेनरिक की बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर आप मिसुबिशी की बात करेंगे तो दूसरा एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, एलन बिडली की बात करेंगे तो एड्रेस भी चेंज होंगे। ये इंटरनल एड्रेस के हिसाब से मैंने आपको बताया। अगर आप श्नाइडर की ही कोई जैसे M340 PLC लेते हैं वहाँ पे तो श्नाइडर में जैसे आपने प्रोग्राम में स्टार्ट का परसेंटेज M1 लिखा है तो यहाँ पे आप M1 लिखेंगे, M0 लिखा है M0 लिखेंगे। इंटीजर के जो एड्रेसेस होते हैं वो MW0 MW1 MW4 ऐसे करके 6 ऐसे करके आएंगे। अगर आप रियल की बात करें तो रियल में MW0 MW4 क्यों, क्योंकि ये 2 बाइट डाटा 32 बिट डाटा होता है। 32 यानी 2 16 बिट के डाटा हमारे रियल बिट में आते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटीजर ही मेरा डबल बिट में नहीं आता, ये भी आता है लेकिन उसे हम फिर डी इंट कहते हैं। डी इंट
में वो वैल्यू आती है और हमारी वैल्यू वहाँ पे आप 32 बिट में देख सकते हैं। बट अगर हम रियल वैल्यू की बात करें, रियल वैल्यू 32 बिट में भी आती है और डेसिमल में भी आती है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो रही आपने टैगिंग बना ली, टैग का मीनिंग अब आप समझ रहे होंगे। टैग का मीनिंग जो भी हम यहाँ पे अपने वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसे हम टैग कंसीडर करते हैं। जितनी लाइनें हुई, जितने रो हुए, ये हमारे हर रो उतने टैग्स कंसीडर हुए ना। अब ये तो रही हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने वेरिएबल बना लिए। अगर हमें इसमें किसी का अलार्म बनाना है तो हम यहीं पे अलार्म्स में आएंगे। अलार्म्स में हमें डिजिटल अलार्म बनाना है, मतलब कोई चीज़ हाई होती है, पंप हाई होता है तो उसका दिखना चाहिए, कभी लो होता है तो वो दिखना चाहिए। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज हम वेरिएबल करने के बाद हम ग्राफिक्स पे आते हैं। ग्राफिक्स की स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे आपके पास आपका पहला ऑप्शन होता है पेज सेलेक्ट का। आप पेज सेलेक्ट करेंगे, आपके पास इनबिल्ट बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, या आप अपना भी टेम्पलेट बना सकते हैं। तो आप अपना टेम्पलेट कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम इसमें एक कोई सा टेम्पलेट कंसीडर कर लेते हैं। हम बेस टेम्पलेट अभी ले लेते हैं फिलहाल, ये श्नाइडर का इनबिल्ट टेम्पलेट है। हम इसे सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अब आपके सामने एक टेम्पलेट आ जाता है। टेम्पलेट के बाद हमारे पास एक ये सिंबल सेट टूल आ जाता है। यहाँ पे अब हमें कोई भी ग्राफिक्स बनाना है। लाइक वाइज एक हमने स्टार्ट बटन लिया था, स्टार्ट बटन लेते हैं और इसे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे बटन का नाम हमें क्या लिखना है, स्टार्ट मोटर। आप स्टार्ट मोटर लिख सकते हैं, जो भी आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है आप वो चेंज कर सकते हैं। लाइक वाइज मैंने बड़ा छोटा जो भी करना है, ठीक है। अब इसमें ये काम कैसे करेगा, हमने यहाँ पे लिख दिया टैग। सबसे पहले हम कंसीडर ये टैग को हम कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको इसके स्टार्ट स्टॉप यूज करने के बहुत सारे तरीके बताऊंगा। यहाँ पे अभी फिलहाल मैं इक्वल्स टू वन कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी करके अप्लाई। मेरा पहला टैग, पहला पुश बटन बन गया। अब मैं इसी को मैंने अब आप ये सोचेंगे मैंने कॉपी कैसे कर लिया। ये मैंने क्लिक किया, कंट्रोल बटन प्रेस किया और माउस का साइड वाला बटन प्रेस किया, लेफ्ट लेफ्ट वाला, और इसको जस्ट ड्रैग कर दिया। और फिर मैंने माउस का लेफ्ट वाला छोड़ा, लेकिन मैंने कंट्रोल वाली बिट नहीं छोड़ी, तो मेरा ये कॉपी हो गया विद टैग विद सारी प्रॉपर्टी। अदरवाइज मैं यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप इसे कहीं यहाँ ले रहे हो, वहाँ लेना है, आप अपने हिसाब से कहीं भी करा सकते हैं। अब यहाँ पे अपीयरेंस पे आके मैंने इसे स्टॉप मोटर कर दिया। इसके टैग को मैं 0 कर दिया। अब आप ये बोल रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया, ऐसा का मैंने तो स्टॉप मोटर को बनाया था वो क्यों नहीं डाला। वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे मैं पीएलसी का कोई लॉजिक तो चला नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे लॉजिक उस हिसाब से चलेगा। यहाँ पे तो मेरे को सिंगल टैग से ही सारी चीज़ें करके दिखानी है, तो इस वजह से अदरवाइज आप यहाँ पे स्टॉप का डाल सकते हैं और स्टॉप वाले को 1 करा देंगे, स्टार्ट वाले को 0 करा देंगे। लाइक वाइज जैसे मैंने अभी यहाँ पे कराया, स्टार्ट कराने का मेरे पास एक और तरीका जो है, जो मैंने आपको एक टॉगल समझाया, ये मैंने आपको जो बताया विद
बटन स्टार्ट स्टॉप कमांड। अब इसी को मैं टॉगल बटन स्टार्ट स्टॉप कमांड करूंगा। वो कैसे करूंगा, टॉगल इसी के बाद मैं इसको आपको पल्स में कैसे कंसीडर करते हैं। अगर मेरे को पल्स में लेना हो पल्स का मीनिंग तो आप समझ रहे हैं ना, पल्स का मतलब होता है जस्ट इंचिंग, मतलब जितनी देर दबा के रखा उतनी देर आ गया। ठीक है, इसको मैं अगर टॉगल में बात करूंगा तो स्टार्ट ऑब्लिक स्टॉप लिख देता हूँ मैं, क्योंकि दोनों ही काम करने वाला है मेरा। मैं को इसका इस वे में भी लिख सकता हूँ ताकि सारी चीजें आ जाए। अगर मेरे को ये सेंटर में डालना है, अलाइनमेंट सेंटर में डाल सकता हूँ। और अगर मैं इसे राइट में डाल दूंगा, राइट के मूव कर गया। अगर लेफ्ट में डाल दूंगा तो लेफ्ट को। तो ये तो स्टार्ट स्टॉप कमांड की कैसे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा मैंने दो बटन लिए सेम टैग से ही, मैं स्टार्ट स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ टॉगल बटन सिंगल बटन से ही मैं सिस्टम को ऑन या ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे पल्स या आप इसे इंचिंग कह सकते हैं कि जितनी देर मैं प्रेस करके रखूँ उतनी देर सिस्टम चले। अब मैं यहाँ पे एक सिंबल सेट का ले लेता हूँ, जिसे अब यहाँ की प्रॉपर्टी में समझाता हूँ। आप ये समझिए कि मैंने टैग ले लिया। अब जब मेरा कोई भी मोटर स्टार्ट होती है, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ मोटर जब स्टार्ट हो, जब ऑफ हो तो रेड कलर में हो, जब स्टार्ट हो जाए तो ग्रीन कलर में हो जाए। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि भाई ऐसा हो जाए, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा क्यों, मैं तो दूसरे तरीके से चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में दिखाई दे, कि अगर ये वन है तो ग्रीन दिखाई दे, अगर ये वैल्यू मेरे टू हो जाए, टू मतलब येलो करा दो, फिर आप ये कहोगे वन और टू दोनों कंडीशन आ जाए, या आप कह दो जी नहीं जो वैल्यू मेरी जीरो जीरो हो, यानी जीरो मतलब मैं अभी रेड हो गया, वन आया तो ग्रीन हो गया, यानी वन आया तो ग्रीन हो गया, टू आया तो ट्रिप हो गया, इसको मैंने ग्रे कर दिया। ये तरीका हो सकता है। फिर आप बोलोगे नहीं मैं कोई और तरीके से देखना है कि ये अपने आप ही चलता हो, कुछ दिखाई दे, लाइकवाइज एनिमेटेड ये अपने आप कुछ ना कुछ चेंज करता रहे। वो मैं कैसे एक दूसरे वे में अगर आप दिखाना चाहूँ लीजिए, मैं एक
इसमें कुछ अपने आप ही डिफरेंट डिफरेंट, मैं मोटर चाह रहा हूँ कि डिफरेंट कलर में दिखाई देने लगे या डिफरेंट वे में दिखाई देने लगे। एक ग्रीन ये ले लिया मैंने, एक येलो ये ले लिया, मतलब एक मैंने सिंगल ही वैल्यू डाल दी कि यहाँ पर जब ये वैल्यू आ जाए। जैसे मैंने कर दिया सपोज ग्रेटर देन 0, जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो मेरा ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको चलती हुई दिखाई देंगी। प्लस अब इसी के साथ मैं एक इंटीजर कैसे हम यूज करते हैं, इंटीजर टैग। इंटीजर और रियल का सेम फंड है, तो मैं यहाँ कोई सा भी ले सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं इंट ले लेता हूँ। इसकी वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए न्यूमेरिक में मैंने इंट वन करा दिया। जो भी आप यहाँ टैग डालेंगे वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इसका फॉर्मेट कुछ डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, हैश या किस फॉर्मेट में दिखना चाहिए डेसिमल के बाद। इसके बाद इसको हम ये वैल्यू एंटर कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे इनपुट पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड पे आएंगे। कीबोर्ड पे आने के बाद आप यहाँ पे आपको जितने अगर 4 वैल्यू तक की वैल्यू एंटर करनी है तो आप इसमें 4 बार हैश प्रेस करके एंटर लिख देंगे। फिर हम टैग लिखेंगे और इक्वल्स टू argv1। इसको ओके और इसको मैं कंट्रोल एस करूंगा, कंट्रोल एस भी कर सकते हैं, फाइल पे जाके सेव का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। इसको एक नाम आप दे देंगे अपने प्रोजेक्ट का, इस पेज का P1 नाम से मैंने दे दिया। साइटेड ट्रेनिंग 1 में P1 नाम से मैंने प्रोजेक्ट अपना सेव करा दिया। ये प्रोजेक्ट आपका सेव हो रहा है। प्रोजेक्ट सेव हो जाने के बाद अब हमें अपना सिस्टम कंपाइल करना है। हम यहाँ पे आएंगे, ऑल्ट F10 भी प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पे आके हम कंपाइल प्रेस कर देंगे। अब आपका प्रोजेक्ट कंपाइल होगा। अगर कहीं कोई एरर आती है तो आपको यहाँ पे बता देगा, अगर नहीं आएगी तो सीधा कंपाइल्ड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए आपके पास इसने बोल दिया सारा चीज़ ओके है, बस आपको ये इस रियल वाले टैग के लिए एरर बोला है, क्योंकि रियल का ही डाटा टाइप है रियल ही। यहाँ पे अगर आप इसे real1 कर देते हैं, सेव कर दिया यहाँ से, आप फिर से कंपाइल करेंगे। देखिए पहले यहाँ पे एरर देखने लगी थी, वार्निंग एक्चुअली एरर नहीं थी, एरर होती तो रेड कलर में आ जाता। अब कंपाइल्ड हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपका कंपाइल्ड सिस्टम हो गया है। अब आप इसे रन कराएंगे। अब आप प्रोजेक्ट जैसे ही रन कराएंगे आप देखेंगे आपके सामने एक विंडो यहाँ पे अभी ओपन होके आ जाएगी। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट टाइम चला रहे हैं या आपने प्रोजेक्ट को अभी कंप्यूटर सेटअप विजार्ड नहीं किया, या तो आपके सामने विंडो खुद आ जाएगी या वो कंपाइल करने के बाद कंप्यूटर सेटअप विजार्ड ये क्लिक करना होगा। इसका ये मतलब होता है आप एक बार सिस्टम को फाइनलाइजिंग टचअप वाली कहानी है कि आप फुल फ्लेज में कैसे आपको रन कराना है उसके लिए होता है। आप चाहे एक्सप्रेस सेटअप कर सकते हैं कस्टम, तो फिलहाल मैं कस्टम सिलेक्ट कर रहा हूँ और ट्रेनिंग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन लोकल सेटिंग सर्वर कंट्रोल क्लाइंट ना ये
ये पार्ट आपका ओके होना चाहिए। अगर ये ओके नहीं है, ये वाला ओके है, दैट मीन्स कि आपका सिस्टम कंट्रोल क्लाइंट मोड में चल रहा है। इसके लिए आपको सर्वर चलाना पड़ेगा, तो आपका उस समय स्काडा कम्युनिकेट नहीं करेगा। जब भी आप कंप्यूटर सेटअप विजार्ड चलाएं, अगर आपका सर्वर पीसी है, स्टैंड अलोन है, तो हमेशा आपका ये ऑन होना चाहिए। ये वाला पार्ट आपका सेलेक्ट होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे, स्टैंड अलोन पे चला गए, स्टैंड अलोन हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे कुछ भी एक पासवर्ड डाल सकते हैं, जो जो पासवर्ड डाले वो उसी के नीचे आप नीचे भी एक पासवर्ड डाल सकते हैं, सिंगल वर्ड का भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट करके, नेक्स्ट करके, नेक्स्ट करके, फिर यहाँ पे आपसे स्टार्टअप पेज पूछेगा। आप अपने स्टार्टअप पेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन सिलेक्ट कर दिया मैंने, नेक्स्ट किया, फिनिश। अब हम अपना स्काडा रन कराने के लिए रेडी है। अब मैंने यहाँ पे इसे रन कर दिया। अब मैंने रन किया। अब आप यहाँ नीचे एक विंडो देख पा रहे हैं, ये आपके सामने ऊपर विंडो एक आ गई। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे 5 सर्वर चल रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको सर्वर क्लाइंट समझा रहा था, वहाँ पे एक मल्टी प्रोसेस सिलेक्टेड था, इस वजह से 5 सर्वर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मल्टी प्रोसेस सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्लाइंट वाला ही पार्ट ये एरर मैसेज आएगा। अगर आपने लाइसेंस नहीं लगाया हुआ है तो आपको ये डेमो मोड में चलाने के लिए बोलेगा। आपने क्लिक किया ना, अगर इसके ऊपर किसी भी सिंबल के ऊपर डॉटेड डॉटेड आता है या यहाँ हैश बैल्ड क्या आता है, दैट मीन्स कि आपका स्काडा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। अभी मेरा सारा चीज़ ओके है, मेरा सिस्टम ओके काम कर रहा है। ये कुछ फाइल मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैसेज आ रहा है। सब में मैसेज आए ऐसा जरूरी नहीं है। इसको फिलहाल नीचे कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैं अगर हमें कोई स्काडा स्टार्ट करना है, अगर मेरे को मोटर स्टार्ट करनी है, मैंने क्लिक किया तो आप ये देख रहे होंगे मेरा मोटर किस तरीके से चल रहा है। एक तो ये ग्रीन, रेड से ग्रीन हुआ, आप पहले देखिए, लेकिन इससे स्टॉप हुआ, ये इस कलर में था, ये इस कलर में था। अब आप ये देखिए, जैसे मैंने डाला ये ग्रीन हो गया और ये दौड़ भाग करने लगा। और देखिए ऊपर नीचे, मतलब अल्टीमेटली जब आपको एक ही, जब आपको कहीं रोटेशन दिखानी है किसी मोटर की, मोटर घूम रहा है अभी तो आपको कलर चेंज होता हो देखा ना, और आपको कहीं रोटेशन दिखानी है, उसके लिए आपको एनिमेशन कुछ बनाने पड़ते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक स्टार्ट बटन और दूसरा स्टॉप बटन, एक चीज़ ये हो गई ना। अब मैं बात करता हूँ टॉगल बटन, मैंने बटन प्रेस करा दिया। अब आप देख रहे हैं स्टार्ट है, इसी बटन को प्रेस कराता हूँ स्टॉप हो गया, कलर आप यहाँ पे चेंज होता हुआ देख पाएंगे ना। अब पल्स, अब देखो मैंने बटन प्रेस करा रखा है, अभी भी बटन प्रेस है। अब इधर को थोड़ा सा प्रेस ऐसे छोड़ देता हूँ, वो बंद हो जाता है, ठीक है, ये पल्स कमांड जाती है ना। अब मैं इसी पे जस्ट ऐसे स्टार्ट कर दिया मैंने, अब आप यहाँ पे कर वो देख पा रहे हो। अब मैं इसकी वैल्यू देखना, यहाँ पे मैंने एक 1 वैल्यू डाली, 2, मैं फिर 3। जितना हम इसमें वैल्यू डालते रहेंगे अपने हिसाब से ये चीज़ें आपको दिखाई देता रहेगा। अगर मैं इसका डा की बात करूं, यहाँ पे 0 है, 2 ए बी, बी वाला हमारा 2, वो तो मेरा डिजिटल है, तो इसलिए मैं इसको काम करता हूँ, एक सिंबल
ये देखिए रेड कलर है, मैं इसकी कलर भी टू कर देता हूँ, देखिए चेंज हो गया, वन कर दिया, जीरो कर दिया, कलर अपने आप इसके चेंज होते चले गए। चीज़ें आपको इससे अंडरस्टैंड हुई कि हम इंटीजर या रियल वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं, इसका रन टाइम हम कैसे चलाएंगे, बटन कैसे यूज़ करेंगे, सिंबल कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आई होंगी। अब आप इस पे प्रैक्टिस करें, बहुत ही मैं कोशिश करूँगा कि सेकंड वीडियो में बहुत जल्दी इस ट्रेनिंग पे लाऊं, जिसमें मैं टेम्पलेट और सिंबल्स पे आपको वर्किंग करना सिखाऊंगा। तो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो के लिए मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने आऊँगा। आज के लिए ओके, थैंक यू। आगे मुझे सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए।